हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेस एंड व्यूज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ रिलेटेड टू डार्क सर्कल। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हर किसी को डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है। सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज को भी डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे लोग बाजार से आई क्रीम भी लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरा ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाली हूं जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और आपको ये अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, और आपके डार्क सर्कल्स बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगे। तो प्लीज ये मेरा ये वीडियो जरूर लाइक एंड शेयर करें, एंड जब आप इसको यूज करेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3-4 रेमेडीज बताने वाली हूं, तो जो आपको बेस्ट लगती है आप वो ट्राई करें, या फिर जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स हो आप वो ट्राई करें। तो सबसे पहला मैं आपको बताने वाली हूं कॉफी का। तो कॉफी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कॉफी में बहुत ही अच्छा कैफीन होता है, जिसकी वजह से वो हमारे जो सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा और जो डार्क सर्कल्स हैं उसको रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ जिनको रिंकल्स का प्रॉब्लम है और जिनकी स्किन टाइट नहीं है, लूज है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, ये उनको भी टाइट करेगा। एज वेल एज मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे क्यूकम्बर जेल का भी यूज करने वाली हूँ। तो जैसे हम सभी जानते हैं क्यूकम्बर बहुत ही अच्छा होता है और उसमें बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ ही साथ विटामिन्स भी होते हैं, जो कि बी विटामिन या सी विटामिन्स टाइप होते हैं, जो कि हमारी स्वेलिंग भी दूर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा कॉफी ले रही हूँ। कॉफी हमको उतना ही लेना है फ्रेंड्स जितना हमको जरूरत है, जितनी जगह में डार्क सर्कल है उतना ही कॉफी लीजिए। साथ में मैंने यहाँ पे यूज किया है ओरिफ्लेम का लव नेचर क्यूकम्बर जेल। आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा एलोवेरा यहाँ पे सॉरी क्यूकम्बर जेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो नॉर्मल हमारे पास एलोवेरा होता है, लाइक जो तुरंत का हमारे पास एलोवेरा होता है, उसका भी आप जेल निकाल के यूज कर सकते हैं। अब हमें इसे मिक्स करना है, हमें इसका पैक बनाना है, तो विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप या फिर ब्रश की हेल्प से आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे पैक बनाना है। और आपको अब इसको अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले फेस वॉश कर लेना है अच्छी तरीके से, और फिर फेस को अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए, और पोंछने के बाद आपको ये अपने डार्क सर्कल जितनी जगह पे है उतनी जगह पे आपको इसको अप्लाई करना है। ज़्यादा आँख के पास मत अप्लाई करिएगा, और इसके बाद आपको 10 मिनट तक इस पैक को रखना है ताकि ये सूख जाए अच्छी तरीके से, एंड फिर आपको वॉश कर लेना है। एंड वॉश करने के बाद आप चाहे तो जेल लगा सकते हैं या तो आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। इसको फ्रेंड्स आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार यूज करना है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए हैं तो प्लीज आप इसको 2 बार एटलीस्ट यूज करिए, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसके दिखाई देंगे, और जो भी डार्क सर्कल है वो भी कम होगा, और साथ ही साथ जो भी स्वेलिंग या पफिनेस है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मैं अब आपको सेकेंड रेमेडी बता रही हूँ फ्रेंड्स। इस सेकेंड रेमेडी में हम यूज करेंगे रॉ मिल्क का। रॉ मिल्क मतलब होता है कच्चा मिल्क। जैसे कि जब आपके घर में मिल्क आता है और हम उसको बॉईल करते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल्क को बॉईल नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मिल्क अलग रखना है और उस मिल्क का यूज करना है। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून मिल्क ले रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं रॉ मिल्क है ये। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये रॉ मिल्क क्या बेनिफिट देता है। रॉ मिल्क हमको सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि सबको पता है कि उससे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है हमारे स्किन में, तो ये बहुत ही काम करेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून शहद लिया है, क्योंकि शहद से भी बहुत ज़्यादा ग्लोइनेस और टाइटनेस आती है इस वजह से। इसके अलावा अगेन मैं यहाँ पे जेल का यूज़ कर रही हूँ, आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ककड़ी का रस है तो आप ककड़ी का रस भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वो ककड़ी का रस ओरिजिनल तुरंत नया रहता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब इसको भी, इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसको हमको अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये तो लिक्विड है, तो अब हमें क्या करना है, अब आपको लेना है कॉटन। तो जो हमारे पास नॉर्मल कॉटन पैड्स होते हैं वो आप ले लीजिए, उनको कट कर लीजिए इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, और इसको आप डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद आपको इसको सेम अपने आई एरिया में, जितनी जगह में आपको डार्क सर्कल है उतने एरिया में आपको इसको रखना है, अच्छे से कवर करना है, इस तरीके से टैप करके आप रख दीजिए आंखों के नीचे, और 10 मिनट के लिए फ्रेंड्स आपको इसको अगेन रखना है,
और उसके बाद फिर से आप इसको फेस वॉश कर लीजिए एंड आप मॉइस्चराइजर जेल कुछ भी लगा सकते हैं। इसको भी आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। अगर आप 3 बार भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप 3 बार भी कर सकते हैं इसका यूज़, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी रेमेडी में मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बेसन का यूज़ कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं बेसन, आज से नहीं हमारे नानी दादी जो हैं वो भी हमें बोलते हैं कि यहाँ पे हमें बेसन बहुत स्किन को अच्छा करता है, ग्लो करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जस्ट अभी कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है, आप चाहें तो कोको पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोको पाउडर भी सेम चीज़ प्रोवाइड करती है, तो आप कोको पाउडर भी ले सकते हैं। तो बेसन लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, और मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा शहद लिया है हल्का सा, ताकि वो एक पैक में कन्वर्ट हो जाए इसीलिए। और उसके बाद मैं इसमें कर रही हूँ ककड़ी का रस। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है ककड़ी का रस बहुत ही अच्छा होता है, तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ककड़ी का रस है मेरे पास इसलिए मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे एक पैक बना लिया है। तो बेनिफिट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बेसन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कॉफ़ी के क्या होते हैं, क्यूकम्बर के क्या होते हैं। तो प्लीज़ आप ये पैक ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। अब सेम आपको यहाँ पे भी वही करना है, आपको फेस वॉश कर लेना है एंड फिर आपको ये पैक अप्लाई करना है। 10 मिनट तक आपको रखना है, 10 to 15 मिनट्स, एंड देन वॉश कर लीजिए फिर से एंड आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। तो ये भी फ्रेंड्स मैंने आपको बता दी है एक रेमेडी। यहाँ पे मैंने आपके साथ 3 रेमेडी शेयर की हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छी हैं और ये सब हमें घर में अवेलेबल होती हैं, तो आपको कोई इशू नहीं जाएगा कि कुछ आपको बाहर से परचेज करना है। तो सेम आप इसको बनाइए और प्लीज़ लगाइए, हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करिए। इसको कोई भी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोई भी स्किन टाइप हो आपका, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, आप उसमें भी इसको कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ डू शेयर, डू लाइक। एंड जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।